हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे फिजिक्स का प्रैक्टिकल, जिसका एम होगा टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ टी विद एल फॉर ए कंपाउंड पेंडुलम बार पेंडुलम एंड देन टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इन द लेबोरेटरी। ये हमारे प्रैक्टिकल का एम होगा, ठीक है। इसमें जो आपको एपरेटस रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे एक बार पेंडुलम, स्टॉपवॉच, नाइफ एज फिक्स्ड टू ए रिजिड सपोर्ट एंड मीटर स्केल, ठीक है। ये आपको लिखने हैं, ठीक है। आइए परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। देखो, अब ये जो है आपके एपरेटस रिक्वायर्ड हो गए, एक आपको स्टॉपवॉच चाहिए, ये फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट हो गई वॉल में, ठीक है। आप इसको बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे बार पेंडुलम, या इसको बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो इसमें सेट है ये है नाइफ एज, ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ये नाइफ एज है। ये क्या होता है, एक तरफ से राउंड शेप में होता है और एक तरफ से शार्प एज में होता है, इसकी एक तरफ से शार्प एज होगी एक तरफ से राउंड शेप होगा, ठीक है। इस तरीके से होता है, ये आपका कंपाउंड पेंडुलम है या कि बार पेंडुलम। इसमें क्या होता है, टोटल 19 होल्स होते हैं, ठीक है, और दो होल्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। टोटल 19 होल्स हैं, दो होल्स के बीच की डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें 19 होल्स में जो सेंटर ऑफ होल होगा वो होगा 10th होल, ठीक है। 10th होल जो होगा वो सेंटर ऑफ होल होगा। अब आपको करना क्या है कि होल बाय होल, मतलब सबसे पहले फर्स्ट होल, अब इसके दो साइड होती हैं, जैसे कि फर्स्ट साइड और इसके नीचे की साइड भी होती है बी साइड, है ना। आपको करना ये है कि पहले ये साइड सपोज करो, इसके फर्स्ट होल से स्टार्ट करेंगे और नाइन्थ होल यानी कि सेंटर ऑफ होल के जस्ट बराबर में नाइन्थ होल, आपको वहाँ तक क्या करना है, नाइफ एज को इस तरीके से इसमें सेट करना होता है कि इसमें जो शार्प एज है, शार्प एज है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ लाई करनी चाहिए, ठीक है। ये शार्प एज जो है इसका नाइफ एज का, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ लाई करना चाहिए। उसके बाद हम इसको इसमें एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने एडजस्ट कर लिया है, ये एडजस्ट हो गया है फर्स्ट होल में, ठीक है। जिस तरीके से हमने इसको नाइफ एज को, ये शार्प एज को सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ लाई करके फर्स्ट होल में सेट किया है, इस तरीके से हमको सेकेंड होल में भी करना है, थर्ड में भी करना है, और सेम है स्टिल नाइन होल तक हमको यही करना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर, ये ए साइड है सपोज, तो ये बी साइड के लिए भी यही करना है। अब ये नीचे वाला जो होल है मान लो 18th होल है, तो 18th होल फिर 17 और 11 तक, ठीक है। सेम प्रोसीजर फॉर ए एंड बी साइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट में ये इस तरीके से हम इसको वर्टिकली प्लेस कर देंगे रिजिड सपोर्ट में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये प्लेस कर दिया हमने, इस तरीके से प्लेस करना है कि जब हम इसको ऑसिलेट कराएं तो ये वॉल से टच ना हो, उससे अलग रहे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक इसको कोई भी एक एंगल ले लेंगे, कोई भी एक एंगल, अपनी मर्जी से ये फिक्स नहीं होता है, आप कुछ भी एक एंगल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने बताया था कि ये फर्स्ट होल के लिए, सेकेंड होल के लिए, आपको सेम एंगल हर किसी होल के लिए, ए साइड के लिए भी बी साइड के लिए भी वो सेम एंगल रखना है, ठीक है। सेम एंगल आपको वही रखना है, और आपको करना क्या है, जो एंगल आपने एक बार फिक्स कर लिया उस एंगल से आपको ऑसिलेट काउंट करने हैं, इसके 10 ऑसिलेशन में टाइम पीरियड जो भी होगा वो नोट डाउन करना है। एक ऑसिलेशन कंप्लीट कब होगा, मान लो ये एंगल आपने लिया है, जब आप इस बार को छोड़ देंगे और ये वापस यहीं पे आएगा तब एक ऑसिलेशन काउंट होगा, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ से छोड़ेंगे, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये 10 ऑसिलेशन का टाइम है, 16.50, ठीक है। ये इस तरीके से, ये केवल फर्स्ट होल के लिए। अब आपको सेम प्रोसीजर सेकंड होल के लिए फॉलो करना है, थर्ड के लिए करना है, और सेम है नाइन्थ होल तक के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। ये ए साइड के लिए हो गया, अब सेम फॉर बी साइड, अब आप इस तरफ से करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं
ऑब्जर्वेशन टेबल पे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल, ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल हो गई। देखो इसमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स यानी कि जैसे फर्स्ट होल, सेकंड होल, थर्ड होल, ऐसे 9 होल। ये ए साइड के लिए हो गया और ये बी साइड के लिए 9 होल हो गए, ठीक है। ये डिस्टेंस ऑफ द होल फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि 10वें पॉइंट से जो होल्स की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको लेनी है। जैसे फर्स्ट होल ये है 45 सेंटीमीटर, आपको जो टेबल में लिखना है वो मीटर में कन्वर्ट करके लिखना है यानी कि 0.45 मीटर, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन थर्ड कॉलम, ये फिक्स होता है, जैसे अभी हमने 10 ऑसिलेशन के लिए काउंट किया है तो ये 10 ऑसिलेशन, ये ए साइड के लिए भी यही होगा, बी साइड के लिए भी, तो ये हर किसी में 10 ऑसिलेशन ही होंगे, ठीक है। 10 ऑसिलेशन का टाइम टेकन, ये आपको 10 ऑसिलेशन का टाइम है वो लेना है फोर्थ कॉलम में, ठीक है, ये हो गया। फिफ्थ कॉलम पीरियडिक टाइम, ये पीरियडिक टाइम होता है पर ऑसिलेशन टाइम, इसको निकालेंगे हम जो टोटल टाइम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। हमने 10 लिए तो 10 कोई अलग लेता है तो वो उससे डिवाइड करेगा, ठीक है, ये पर ऑसिलेशन टाइम निकल गया है। उसके बाद हमको क्या करना है कि ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। एक ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम के और डिस्टेंस के बीच में, जैसे कि ये हो गया, वाई एक्सिस पे टाइम लेंगे, ये पर ऑसिलेशन टाइम है पीरियडिक टाइम। वाई एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे, जैसे फर्स्ट जो है फर्स्ट होल के लिए 0.05 मीटर, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस पे टाइम, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, ठीक है। अब ये दो तरीके से होगा, एक ए साइड के लिए ग्राफ इस तरीके से आएगा जैसे, बी साइड के लिए इस तरीके से, आपका जो ग्राफ बन के आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है आपको, टी इक्वल टू 2π√L/g, यहाँ पे जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जी इक्वल टू हो गया 4π²L/t², ठीक है। यहाँ पे टी जो निकल के आएगा, टी आपका जैसे ये ग्राफ आया निकल के, तो इस ग्राफ के एक्स के पैरेलल एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है आपको जो इस ग्राफ को चार जगह पे कट करे, ठीक है। एक वाई के दो तरफ इस तरफ और दो इस तरफ, ठीक है। एक लाइन सपोज हमने ये ड्रॉ कर ली एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये सपोज ए पॉइंट पे कट करती है, बी पे करती है, सी पे करती है और डी पे करती है, ठीक है। तो जहाँ पे ये लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा टी, टी यहाँ से निकालेंगे। दूसरा है एल, एल जो डिस्टेंस होती है वो ए से लेके सी तक की डिस्टेंस प्लस बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस, इसका मीन निकाल लेंगे, ये एल की वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर हम इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ से जी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू जो जी की होती है वो होती है 9.8 m/s², ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम परसेंटेज ऑफ एरर निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि होगा स्टैंडर्ड वैल्यू डिफरेंशिएट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू इनटू 100। यहाँ से जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो परसेंटेज ऑफ एरर होगा, तो ये जो परसेंटेज ऑफ एरर है ये कम से कम निकल के आना चाहिए, ठीक है।